हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट गौरी लंकेश के मर्डर केस को डिस्कस करेंगे। अब ये क्राइम पेट्रोल तो है नहीं कि हम सिर्फ एक मर्डर केस को डिस्कस करें, हम यहां पे इस केस के थ्रू बहुत सारे और टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे इंडिया में जर्नलिस्ट कितने सेफ हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, बाकी देशों की रैंकिंग से हम कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब देशों के मुकाबले इंडिया कहां पे खड़ा है, और इंडिया की रैंकिंग जो है उसकी वजह क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हम कवर करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम, एंड इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल वॉच इट टिल दी एंड। डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा। US के एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं जेराल्डो रिवेरा, इनकी कोट है, सिंपल कोट है, छोटी कोट है, मगर इसका जो मीनिंग है वो बहुत इम्पैक्टफुल है, आई एम श्योर इसको आप अप्रिशिएट करेंगे। द करेज इन जर्नलिज्म इज स्टिकिंग अप फॉर द अनपॉपुलर नॉट द पॉपुलर। जर्नलिज्म, पत्रकारिता में जो बहादुरी है वो इसमें नहीं है कि जो कर्णप्रिय चीज है, जो पॉपुलर चीज है, जो चीज लोग सुनना चाहते हैं वही चीज आप रिपीट करते रहें। बहादुरी इसमें है कि जो कड़वी चीज है, जो अनपॉपुलर चीज है, जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं डालना चाहते क्योंकि वो उनको इतनी अपीलिंग नहीं रखती, उसको कवर करना, उस चीज के साथ खड़े होना, वो है पत्रकारिता में बहादुरी। स्टडी आई क्यू के पेनड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स एंड UPSC एग्जाम्स एज वेल। हमारी टेस्ट सीरीज भी है फॉर UPSC एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी भाषा में भी। हमारे टेस्ट सीरीज या कोर्सेज परचेज करने के लिए आप studyiq.com पर जा सकते हैं या आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आखिर हुआ क्या, ये जान लेते हैं कुछ बेसिक्स। गौरी लंकेश एक सीनियर जर्नलिस्ट थी बेंगलुरु बेस्ड, और बेंगलुरु में ही इनकी हत्या कर दी गई, गोलियां चलाई गई इनके ऊपर अनआइडेंटिफाइड लोगों द्वारा, और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। एज एन एडिटर काम करती थी गौरी लंकेश, लंकेश पत्रिके में, बेसिकली कन्नड़ वीकली थी जो इनके पिताजी ने स्टार्ट करी थी, और बाद में उन्होंने खुद की भी एक वीकली स्टार्ट करी जिसका उन्होंने नाम रखा गौरी लंकेश पत्रिके। इनके व्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ये राइट विंग हिंदू ग्रुप्स को बहुत क्रिटिसाइज करती थी, उनके बारे में लिखती थी और उनको ऑफकोर्स क्रिटिसाइज करती थी। फॉर एग्जाम्पल BJP के कुछ नेताओं ने इन पर केस भी किया था डेफेमेशन का, और उसके अलावा जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो बहुत ही लेफ्ट लीनिंग वामपंथी जो आइडियोलॉजी है उनसे ये काफ़ी हद तक रिलेट करती थी, और सिमिलर आइडियोलॉजी के जो और एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी थे इनके। फॉर एग्जांपल कन्हैया कुमार, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, JNU से काफ़ी इनको फेम मिली थी, और उमर खालिद और शीला रशीद शोरा, इनको अपना एडॉप्टेड चिल्ड्रन मानती थी, और ओवरऑल कर्नाटका के जर्नलिज्म के सर्कल में काफ़ी सम्मान था इनका, काफ़ी एक वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार मानी जाती थी। गौरी लंकेश एक बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट मानी जाती थी, इन्होंने नक्सलाइट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी, उसके अलावा दलित्स के कॉजेस को काफ़ी उठाती थी अपनी वीकली में, और फार्मर्स के कॉजेस के बारे में लिखती थी, और ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुत्व ग्रुप्स और उनके राइजिंग इन्फ्लुएंस के बारे में लिखती थी। ऑफकोर्स जब इनका मर्डर हुआ तो वेरियस संगठनों ने इसकी निंदा करी, जैसे कि BJP ने निंदा करी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने निंदा करी, और RSS ने भी निंदा करी, इवन दो ये हिंदुत्व ग्रुप्स के खिलाफ काफ़ी लिखती थी। अब इनके मर्डर में हमको एक पैटर्न दिखता है, उस पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अब गौरी लंकेश को किन लोगों ने मारा उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है, अनआइडेंटिफाइड लोग थे वो, गोली चला के बस चले गए, और अभी के लिए पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। और ये जो पैटर्न है इस तरीके से किसी की हत्या करना, ये हमने पहले भी देखा है, चार बार देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल MM कलबुर्गी, गोविंद पंसारे, नरेंद्र दाबोलकर, ये सब एक्टिविस्ट थे और ये अनपॉपुलर ओपिनियन के साथ खड़े होते थे, इनके साथ भी सेम चीज़ हुई, कहीं से अनआइडेंटिफाइड लोग आते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है और फिर पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाती। अब तक इन सब एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग गौरी लंकेश, इन सब के मर्डरर्स का पता नहीं लगा है, अपने आप में बहुत अजीब बात है। इन सब बाकी जो एक्टिविस्ट हैं इनके बारे में भी जान लीजिए, MM कलबुर्गी जी ये भी कर्नाटका के थे, हिंदुइज्म में जो सुपरस्टिशंस हैं, लोगों के जो अंधविश्वास हैं उसके खिलाफ लिखते थे, उसके खिलाफ बोलते थे, इन्होंने कैंपेन भी चलाए ताकि लोगों की आँखें खुले, लोग भ्रमित ना हो, और 2015 में इनके रेजिडेंस में गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके मर्डरर्स के बारे में आज तक कुछ पता नहीं लगा। सिमिलर केस था नरेंद्र दाबोलकर जी का, ये फाउंडर थे और प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के, नाम से ही आपको पता लग रहा हो कि अंधश्रद्धा, जो अंधी श्रद्धा होती है लोगों की, सुपरस्टिशियस लोग हो जाते हैं, उस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और
वेरियस कैंपेन्स करते थे ताकि लोगों को पता लगे कि कोई गॉडमैन है, कोई बाबा जो होते हैं, जो लोग कहते हैं कि लोगों की बीमारी दूर कर देंगे, लोगों की कष्ट दूर कर देंगे, और उनके खिलाफ़ दाभोलकर जी बहुत बढ़ चढ़ के बोला करते थे, और लोगों के और जो सुपरस्टिशंस होते हैं ग्रहों को लेकर, और भी वेरियस चीज़ें जो होती हैं जहाँ पर जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है उसके खिलाफ़ दाभोलकर बोला करते थे। इनकी भी अनआइडेंटिफाइड लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है। आज तक किन लोगों ने इनको मारा कुछ पता नहीं है। फिर है गोविंद पंसारे, इनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। किन लोगों ने इनको मारा कुछ पता नहीं है। पंसारे जी एक संगठन चलाते थे जो इंडिया में इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट करता था। इनका ये मानना था कि अगर ऐसा हो तो इंडिया में कास्टिज़्म काफ़ी हद तक मिट सकता है, और उसके अलावा बहुत सारे कुछ हिंदू रिचुअल्स हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। जैसे कुछ रिचुअल्स है जिससे लगता रहा लोगों को कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। और उस सब के अलावा नथुराम गोडसे की ग्लोरिफिकेशन को ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं जो मानते हैं कि नथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी के असासिन थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा था, तो ये मानते हैं कि नथुराम गोडसे ने ठीक काम किया था और वो एक्चुअली एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और जो भी उन्होंने किया वो ठीक था। तो जो लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जो उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे गोविंद पंसारे जी। और जब नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई तो उनके जो इनिशिएटिव थे उनको ये गोविंद पंसारे जी आगे लेकर गए, और जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति थी उसमें भी काम इन्होंने आगे बढ़ाया, और जो एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक एक्ट है उसको पास करने में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको काम आ सकती है कभी। जो पहले अभी हमने जो एक्टिविस्ट डिस्कस किए हैं तीनों, इनको डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी बार आप आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स में यह शब्द देखेंगे, रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट कौन होता है? रैशनलिस्ट बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिलीजन या सेंटिमेंट्स उनके आधार पर अपना ओपिनियन नहीं बनाता, वो नॉलेज पर अपना ओपिनियन बनाता है। एन रैंड एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर है जिनकी काफ़ी सारी फेमस बुक्स हैं, मगर दो मेन फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में। एक तो है फाउंटेन हेड, ठीक है ये, और दूसरी है एटलस श्रग्ड। ये दोनों इन्होंने लिखी है, और इन्हीं की एक कोट है रैशनलिज्म के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रैशनैलिटी मीन्स द रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रीजन एज वंस ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, वंस ओनली जज ऑफ वैल्यूज एंड वंस ओनली गाइड टू एक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रैशनैलिटी का मतलब होता है कि नॉलेज और रीजन आपका गाइड होना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज के बस सेंटिमेंट पे या कोई एक आपको कोई चीज़ बताई गई है तो उस पर बिना सोचे समझे आप वो एक्शन ले ले। आगे लिखा हुआ है, इट मीन्स अ कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल दैट ऑल ऑफ वन्स कन्विक्शंस वैल्यूज गोल्स डिजायर्स एंड एक्शंस मस्ट बी बेस्ड ऑन डिराइव्ड फ्रॉम चोजन एंड वैलिडेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ थॉट। मतलब कि सोच विचार करके ही जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उस सब पर बेस होना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई आपको डिसीजन या कोई आपको कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी आप कहीं पे पढ़े तो आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। अब गौरी लंकेश के मर्डर से ऑफकोर्स इंडिया की जो इमेज है एज ए कंट्री जो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करती है उस पर तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़ा एक धब्बा लगेगा ही, मगर हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि ये ऐसा साल में हो रही है, ये इनकी डेथ एक ऐसे साल में हुई है जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 133 से 136 तक पहुंच गई है। मतलब कि हम और ज़्यादा एक वर्स कंट्री और एक ज़्यादा ख़राब कंट्री बन गए हैं जर्नलिस्ट के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए। और इसकी वजह भी है, कुछ आपको और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक बहुत ही चिलिंग स्टोरी है हेमंत यादव की। एक जर्नलिस्ट थे जो एक हिंदी न्यूज़ चैनल TV24 के लिए काम करते थे, इनको भी गोली मार दी गई दो असैसिन्स द्वारा उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा एक टीवी जर्नलिस्ट हैं हैदर खान, इनको एक मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटा गया। और ये भी मतलब इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इन्होंने कुछ लैंड डील्स के बारे में कुछ एक्सपोज करने की कोशिश करी, कुछ आवाज़ उठाई कुछ पावरफुल लोगों के खिलाफ। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न है जहाँ पे पावरफुल लोग, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी अथॉरिटी पर जब भी कोई खतरा आता है, कोई जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन करने की सोचता है, तो उनको एक ही सोल्यूशन दिखता है, उसको डराओ धमका के या उसको मार डालो। ये हमको देखना होगा कि हमारे देश में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर जर्नलिस्ट हमारे देश में डर के रहेंगे, उनको आज़ादी नहीं होगी वो लिखने की जो वो लिखना चाहते हैं, तो एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तरफ लेके जाऊंगा। वहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया बाकी देशों के सामने कहाँ खड़ा है और इंडिया की जो इतनी ख़राब रैंक है 136 की अब रैंक है उसकी वजह क्या है। अब दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो ग्रुप तैयार करता है उस ग्रुप का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मैप में इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि दुनिया में प्रेस को आज़ादी किन देशों में है और कहाँ पे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंडिया की यहाँ पे रैंक है, एज यू कैन प्रीटी मच सी, मैं क्लिक करूँ दिख जाएगा 136 कंट्रीज़ में से यहाँ पे इंडिया का स्कोर है 42.94। याद रखिएगा ये स्कोर जब बढ़ता है तो अच्छा नहीं होता, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का यहाँ पे स्कोर कम हो, जितना स्कोर ये कम होगा उतना अच्छा होगा। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। अब रिसेंटली ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुआ है चाइना में, तो ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में इंडिया कहाँ खड़ा है, बाकी जो और ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रेस को कितनी आज़ादी है। चाइना जो हमारा इमीडिएट नेबर है वहाँ पे देखें तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 180 कंट्रीज़ में से 176 रैंक है चाइना की, जहाँ पर जो मीडिया है वो पूरा स्टेट कंट्रोल्ड है, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। जो भी वहाँ पे न्यूज़ आउटलेट्स जो भी छापते हैं वो सरकार की सहमति के बाद ही छापते हैं। कोई इंडिपेंडेंट मीडिया अगर कम्युनिस्ट पार्टी का क्रिटिसिज्म करता है तो उसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से चाइना का स्कोर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम आते हैं रशिया पे, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। यहाँ पे इनकी रैंकिंग है इंडिया से भी बदतर, 148। मतलब कि इंडिया में जर्नलिस्ट को ज़्यादा आज़ादी है, प्रेस को ज़्यादा आज़ादी है कंपेयर टू रशिया। ये प्राइमरीली इसका रीज़न बताया जाता है व्लादिमीर पुतिन की जो अथॉरिटेरियन उनकी टेंडेंसीज़ है, वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते कि कोई भी रिपोर्टर उनके खिलाफ लिखे या उनकी पार्टी के खिलाफ लिखे। तो ज़्यादातर कोई भी रिपोर्टर अगर व्लादिमीर पुतिन या उनकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ लिखता है तो कुछ दिनों बाद या तो उस पर कोई अटैक होता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए रशिया की रैंकिंग भी बहुत ख़राब है। ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो तीन मेजर प्लेयर्स हैं तीनों की रैंकिंग आप देख सकते हैं बहुत बदतर है। फिर हम आते हैं साउथ अफ्रीका की, जिसकी सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी रैंकिंग है, 31 की रैंक है ब्रिक्स कंट्रीज़ में, सबसे बढ़िया अगर हम देखें प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग साउथ अफ्रीका की है। और फिर हम ब्राज़ील पे आते हैं, तो ब्राज़ील की रैंक भी इतनी अच्छी नहीं है, 103 पे है, बट ऑफ कोर्स रशिया चाइना और इंडिया से काफ़ी अच्छी है। इस रैंक में सबसे अच्छा जो कंट्री है वो स्कैंडिनेवियन देश है नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो, जिसकी रैंक है 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो इसके बिल्कुल साथ में नेबरिंग कंट्री है स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, उसकी रैंक है 2। अब यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नॉर्वे नंबर 1 देश है। तो रिपोर्टर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा देश है और हैप्पीनेस के लिहाज से भी दुनिया का टॉप मोस्ट देश है ये। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स आप जानना चाहेंगे कि सर 180th कंट्री कौन सी है वो दिखाइए। वो जानने से पहले थोड़ा इंडिया का जो इमीडिएट नेबर है वहाँ पे और नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान की यहाँ पे रैंकिंग है 139 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और सबसे वर्स्ट रैंकिंग है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की, जिसकी रैंकिंग है 180। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इतनी ख़राब क्यों है, हम 136 पे क्यों हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की रैंक 136 क्यों है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस रैंक को जस्टिफाई कैसे किया है, वजह क्या बताई है इस रैंक के पीछे। तो यहाँ पे बेसिकली, वेल पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ये मैं इनका ओपिनियन है उसको एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हम लोग खुद का ओपिनियन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही फेमस जो संस्था है उसका ओपिनियन क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू नेशनलिस्ट्स, बेसिकली जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलता है या फिर जो अलग कुछ अनपॉपुलर ओपिनियन रखता है उसको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है, एक ये मुद्दा उठाया है। उसके बाद लिखा है कि जर्नलिस्ट को ज़्यादातर ऑनलाइन स्मीयर कैंपेन्स का टारगेट बनाया जाता है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ट्विटर में काफ़ी बार लोग होते हैं काफ़ी भावुक हो जाते हैं कुछ इशू को जिसके बारे में वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, कोई उसके खिलाफ बोल दे, उससे डिफरेंट ओपिनियन रखे तो उसको वहाँ पे गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे इसका भी जिक्र किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्शन 124A ऑफ द पीनल कोड, जो जहाँ पे सेडिशन का चार्ज आप पे लग सकता है, सेडिशन मतलब देशद्रोह। हालांकि अभी किसी भी जर्नलिस्ट पर ये सेक्शन 124A ऑफ पीनल कोड अभी लगाया नहीं गया, बट एक उसका डर काफ़ी हद तक है। और उसके अलावा काफ़ी बार कश्मीर में जैसे इंटरनेट को डिस्टर्ब कर दिया गया ताकि वहाँ पर हालत और ख़राब ना हो, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। बट अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में सेफ्टी मेंटेन रहे, लोग वहाँ पे ज़्यादा डेंजर में ना आ जाए, वहाँ पे आम आदमी जो है, आम नागरिक हैं उनकी जान खतरे में ना आ जाए।
खैर ये इनका ओपिनियन है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की। एज यू प्रॉब्ली नो, प्रेस को इंडिया में फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। कोई ऑफिशियल कहीं पर लिखा तो नहीं हुआ बट माना जाता है क्योंकि उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस आप देख सकते हो कहीं उसका कुछ मेंशन है नहीं, मगर उनको कुछ हद तक आज़ादी मिलती है जो वो कह सकते हैं आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं कि आर्टिकल 19(2) जो है वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है तो आप कुछ भी बोल दें, उसमें आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। आपको डिसेंसी, मोरलिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी ध्यान रखना होगा, डिफेमेशन का भी ध्यान रखना होगा कि किसी की आप किसी को आप बिना बात पे आरोप ना लगा रहे हो। और उसका आपने देखा होगा कि कई बार डेफेमेशन पे लोग केस भी कर देते हैं कि अगर कोई न्यूज़ आउटलेट उन पे कोई ख़राब इल्ज़ाम लगाए तो वो कोर्ट केस भी कर सकते हैं उस पे। तो मीडिया को एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं है इंडिया में। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इंडियन मीडिया ने काफ़ी, इंडियन प्रेस ने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इंडिया की डेवलपमेंट में। जो भी हमारी सोशल और इकोनॉमिक बुराइयाँ हैं उन पर लाइट शेड करी है ताकि हम उसको देख सकें और उस पर काम भी कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मीडिया ने लाइट डाली है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पावर्टी है, ग्राइंडिंग पावर्टी है, कई लोग भूखे सो जाते हैं इंडिया में, कई लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उस पर काफ़ी बार मीडिया ने लाइट डाली है। फार्मर्स की सुसाइड होती है वेरियस स्टेट्स में, उस पर मीडिया ने काफ़ी बार लाइट डाली है। और उसके अलावा ऑनर किलिंग्स होती हैं काफ़ी स्टेट्स में खाम पंचायत द्वारा, और करप्शन होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जहाँ पे वैसे सोसाइटी उनके बारे में बात करना नहीं चाहती बट मीडिया कई बार हमको फोर्स करता है कि इन सोशल इवल्स पर भी हम अपनी नज़र डालें और इनका भी कुछ सॉल्यूशन या इनको इम्प्रूव या फिर जो स्थिति है उसको इम्प्रूव करने की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। अब मीडिया ने काफ़ी हद तक एक अच्छी भूमिका भी निभाई है हमारे देश में प्रोग्रेस को लेकर, मगर मीडिया को काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि मीडिया के पास, देखिए आपने, आई एम श्योर आपने एक मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन की, उसमें बहुत ही अच्छी कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे आपके पास बहुत शक्ति आपके पास आ जाती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो मीडिया के पास भी शक्ति बहुत बड़ी है, वो किसी भी इशू को हाईलाइट करके उस पर नेशन की अटेंशन ला सकती है, पर उसके साथ साथ उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो वो न्यूज़ प्रेजेंट करे वो एक्यूरेट हो, वो लोगों के इंटरेस्ट में हो, वो फॉल्स ना हो और किसी की रेपुटेशन हार्म ना करे और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बजाय सिचुएशन को ख़राब ना करे। ये सब मीडिया की एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि मीडिया कई बार पूरी रिसर्च करने से पहले या पूरी स्टोरी डेवलप होने से पहले ही उसको एक सर्टन तरीके से प्रेजेंट करता है जो कोई पार्टी के लिए जो चीज़ ख़राब भी हो सकती है। तो मीडिया को इस सब से भी बचना चाहिए क्योंकि अगर मीडिया ये चाहता है कि लोग मीडिया के पीछे खड़े हों, मीडिया को सपोर्ट करें, तो मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। तो ओवरऑल हम अगर इस वीडियो को सम अप करें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्रेस का, मीडिया का बेसिक जो रोल क्या है बहुत बड़ा है। इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन वगैरह दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, उस सब में एक फ्री प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक फ्री प्रेस ही उन मुद्दों पर लाइट डाल पाएगी जिस पर कई बार सोसाइटी वहाँ पर नज़र डालना नहीं चाहती, उनके लिए वो एक अनपॉपुलर टॉपिक होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेस का फ्री होना, उनको आज़ादी होना। और ऑफकोर्स जब जर्नलिस्ट की डेथ होती है तो उससे ज़्यादा बदतर चीज़ एक नेशन की प्रेस के लिए, नेशन के मीडिया के लिए नहीं हो सकती क्योंकि उससे उनका जो एक ड्राइव है, जो उनकी मोटिवेशन है, वो काफ़ी हद तक हिंडर होती है और नेशन की ग्रोथ में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना वो करना चाहते हैं, जितना वो कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, एक मीडिया अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल रहे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो लोग मीडिया को बैक नहीं करेंगे ऐसे इन द टाइम ऑफ नीड। और दूसरी बात, अगर कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर पे अटैक होता है या जैसे हुआ है, जैसे हमने बात करी इस वीडियो में, तो सरकार को बहुत सीरियसली उस पूरे केस को परस्यू करना चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो जो केस है वो अर्जेंटली सॉल्व हो और लोगों को दिखे कि अगर कोई मीडिया पे अटैक करता है, जर्नलिस्ट पे अटैक करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर होंगे, और परहैप्स इसके खिलाफ कोई अगर कानून या लॉ भी पास किया जा सकता है तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। खैर अभी के लिए स्थिति काफ़ी ख़राब है एंड आई होप कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम में काफ़ी और काम किया जाएगा और जर्नलिस्ट इंडिया में निर्भय होकर काम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।